ए वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज हम बात करने वाले हैं लेबोरेटरी एनिमल्स में रैबिट के बारे में। जनरली रैबिट को हमने देखा होता है, जू में देखा होता है, कुछ लोग घर में भी रखते हैं, लेकिन लैब्स में भी हम रैबिट का यूज़ करते हैं। और बहुत डोसाइल एनिमल है, बहुत इजी से इसे यूज़ किया जा सकता है। तो सबसे पहले कुछ रैबिट के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम देख लेते हैं। अडल्ट वेट हम देखें तो आपका 1500 से 5000 ग्राम है, यानी आप इसे कह सकते हैं कि 1.5 से 5 किलो जो है वो रैबिट का वेट है। एवरेज लाइफ स्पैन की बात करें तो 4 से 6 ईयर्स तक जो है रैबिट का लाइफ स्पैन है। और इस ईयर में जो है बहुत बार जो है ब्रीडिंग कराई जाती है रैबिट की, क्योंकि गेस्टेशन पीरियड आप देखेंगे बहुत कम है और इसमें जो सेक्सुअल इनएक्टिविटी का जो टाइम है वो है ही नहीं। तो ये बात एक सबसे इम्पोर्टेंट है रैबिट का यूज़ करने में। नेक्स्ट, फॉर द एज सुटेबल फॉर एक्सपेरिमेंट, 6 मंथ्स की, 6 मंथ्स का होने के बाद ही हम एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, ब्रीडिंग हैबिट, 1 मेल टू 1 फीमेल, तो एक मेल और एक फीमेल। जैसे आपने पिग में देखा होगा कि 1 मेल टू 5 टू 6 फीमेल्स, इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है, 1 मेल टू 1 फीमेल। ये आपका जो है एनिमल के साइज़ पे भी डिपेंड करता है, तो यह एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। गेस्टेशन पीरियड 31 डेज है। हार्ट बीट की बात करें तो 130 टू 300 पर मिनट्स हम कुछ कुछ कह सकते हैं कि ह्यूमंस के बराबर है। यानी ह्यूमंस का अगर हम 72 लेते हैं, लेकिन कई बार हम एक्सरसाइज करते हैं, सीढ़ियाँ उतरते चढ़ते हैं या स्ट्रेसफुल कंडीशन होती है, तो हम कुछ लगा सकते हैं अंदाजा। रेस्पिरेटरी रेट देखें तो 38 टू 60 पर मिनट्स। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कुछ इन्फॉर्मेशन है रैबिट के बारे में जो आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, जब हम बात करते हैं रैबिट का जो आपका नेम है, साइंटिफिक नेम है, डेट इज़ ऑरिक्टोलेगस क्यूनिकुलस। ये रैबिट का आपका बायोलॉजिकल नेम है ऑरिक्टोलेगस क्यूनिकुलस, और डोसाइल एलिमन है। डोसाइल का मतलब होता है कि इसे इजी से, बहुत इजीली कैरी किया जाता है, इतना ज़्यादा तंग नहीं करता है कि आप इसे कंट्रोल करने की कोशिश करें, इंजेक्शन देने की कोशिश करें, कुछ अप्लाई करने की कोशिश करें, तो इतना तंग नहीं करता है जैसे जितना आपका रेड माइस करते हैं। नेक्स्ट, न्यूजीलैंड रैबिट्स आर मोस्टली यूज्ड। जो आपके न्यूजीलैंड रैबिट हैं, आप व्हाइट वाले देखते हैं, उनका ज़्यादा यूज़ होता है। हैविंग जीन फॉर एट्रोपिनेस एंड फर कलर, हमने व्हाइट कलर ही देखा है, लेकिन दूसरे कलर के भी आपके जो है रैबिट्स होते हैं, ब्लैक आपका कुछ ब्राउनिश कलर के होते हैं, तो वो फर कलर के लिए जो जीन्स है उसे हम जेनेटिकली मॉडिफाइड भी कर सकते हैं। एट्रोपिनेस जो आपकी एट्रोपिन जो ड्रग है उसका ब्रेकडाउन करती है, तो उसके लिए भी जीन है। तो अगर एट्रोपिनेस के लिए जीन है तो एट्रोपिनेस प्रेजेंट होगा एंजाइम, और आपका एट्रोपिन की एक्टिविटी जो है उसको कम कर देगा, शॉर्ट कर देगा। तो एट्रोपिनेस ग्रेटली शॉर्टन्स द फार्माकोलॉजिक एक्शन ऑफ एट्रोपिन। दिस कैन बी डिटेक्टेड बाई इंट्रावीनस इंजेक्शन ऑफ 0.1 mg/kg एट्रोपिन सल्फेट। तो अगर आपको यहाँ से डोज घटानी या बढ़ानी है, जैसे यहाँ पर के जी है, अगर रैबिट का वेट अगर 5 kg है तो ये 0.5 mg हो जाएगी रैबिट के हिसाब से, क्योंकि हम पर केजी में कैलकुलेट कर रहे हैं। तो उसको हम देख लेते हैं वहाँ से कि हमें डोज कैसे कैलकुलेट करनी है। और एट्रोपिन के बाद का जो रिकवरी रेट है वो आपका 10 से 15 मिनट है, अगर एट्रोपिनेस प्रेजेंट है तो 10-15 मिनट में जो आपका रैबिट है वो रिकवर कर जाता है। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। सो वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। डोपामिन कॉजेज फॉल इन ब्लड प्रेशर, लेकिन कई एनिमल्स में क्या होता है, डोपामिन ब्लड प्रेशर को बढ़ा रहा होता है। हिस्टामिन कॉज राइज इन ब्लड प्रेशर, यही आपका जो क्राइटेरिया था, ये दोनों ही क्राइटेरिया आपके पिग में भी, जो आपका ग्यूनिया पिग है उसमें भी फॉलो हो रहे थे, कि वहाँ पर भी डोपामिन आपका ब्लड प्रेशर फॉल कर रहा था, हिस्टामिन राइज कर रहा था। हिस्टामिन का मेन रोल होता है आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। एडिनलिन स्टिमुलेट यूट्रस ऑफ रैबिट, आई थिंक ये ग्यूनिया पिग में भी इंक्लूड किया था पॉइंट हमने, कि जो एडिनिल है वो आपका जो यूट्रस है रैबिट को उसको स्टिमुलेट कर रहा है। अब रैबिट के लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, इट इज़ यूज फॉर टेस्टिंग ऑफ पायरोजेंस इन इंट्रावेनस फ्लूड्स। जब भी आपने IV इंजेक्शन सुना होगा, या आपको कभी ग्लूकोज की जो बोतल कहते हैं लगता है, ग्लूकोज लगता है, सलाइन लगता है, डेक्सट्रोज सॉल्यूशन लगता है,
या आपको कुछ भी ऐसा इंट्रावेनस जो दिया जाता है उसमें पायरोजन नहीं होने चाहिए। आप डिस्टिल्ड वाटर देखते हैं उसमें भी पायरोजन नहीं होते हैं। पायरोजन होते हैं आपकी मेटाबॉलिक सब्सटेंस होते हैं जो अगर बॉडी के अंदर इंजेक्शन के साथ चले जाएं तो फीवर कोज कर देते हैं, और बहुत हाई फीवर हो जाता है क्योंकि सीधा ब्लड में जाते हैं। तो टेस्टिंग ऑफ पायरोजन जो है वो हम रैबिट पे करते हैं, क्योंकि रैबिट को इंट्रावीनस लगाना बहुत आसान है और रैबिट में से जो है ब्लड को निकालना भी आसान है। वो भी हम देखेंगे कि क्यों है। ईयर्स के थ्रू जो है, ईयर्स में जो आपकी वेन्स प्रेजेंट है वहाँ से इजिली हम जो है ब्लड को निकाल सकते हैं या इंजेक्ट कर सकते हैं। तो यूज़ फॉर टेस्टिंग ऑफ पायरोजेंस इन इंट्रावेनस फ्लूड, की उसमें पायरोजन नहीं है। इंसुलिन, एंटी डायबिटिक ड्रग एंड न्यूरो मस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट, इसमें आपका न्यूरो मस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट में स्पेशली आपके क्यूरारे हैं, जो आपके क्वार्टनरी अमोनियम साल्ट्स हैं, या जिन्हें हम कह सकते हैं नॉन डिपोलराइजिंग एजेंट, या फिर आपके जो हैं कंपिटिटिव ब्लॉकिंग एजेंट्स होते हैं। आपने ट्यूबोक्यूरेरिन, पेनक्यूरेरिन जो है इनका नाम सुना होगा। एक आपका पिप्रोक्यूरेरिन भी है, जेंटस क्यूरेरिन भी है। तो इन सबके नाम जो हैं ये आपके न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट है, सर्जरी में यूज़ होते हैं। सेक्स हार्मोन्स का भी टेस्ट होता है रैबिट पे, क्योंकि इनका गेस्टेशन पीरियड आप देखेंगे कम है। और जो है कोइटस के बाद जो ओव्यूलेशन है वो उसको जो है आपका प्रोजेस्ट्रॉन इनहिबिट करता है। जैसे हुमन्स में कुछ होता है वैसा इसमें आपका प्रोजेस्ट्रॉन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का भी रोल है। इसलिए सेक्स हार्मोन्स को स्टडी करने के लिए भी रैबिट का यूज़ है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, प्रोजेस्ट्रॉन, एस्ट्रोजन, इसमें रैबिट में सब कुछ साइकिल्स वैसे ही हैं। नेक्स्ट, अगर आप शैम्पू यूज़ करते हैं या जो शैम्पू बच्चों के लिए होते हैं, कोई आप टॉपिकल क्रीम लगाते हैं, कुछ भी लगाते हैं, तो आपको बहुत लोग कलर भी लगाते होंगे बालों में, तो सबसे पहले क्या होता है वहाँ पर लिखा होता है कि आप स्किन पे थोड़े से पार्ट पे गर्दन के पीछे या कान के पीछे लगाकर चेक कर लें कि आपको इरिटेशन नहीं हो रही है। तो जैसे बच्चों में क्या होता है, कई बार जो सोप है या शैम्पू है वो आँखों में चला जाता है तो बहुत इरिटेशन होती है, स्किन भी सॉफ्ट होती है। तो उन सबकी जो टेस्टिंग है वो आपकी जो है रैबिट पे की जाती है। जो टेस्टिंग है, स्किन टेस्टिंग है, चाहे आप शैम्पू भी खरीदते हैं तो उसकी टेस्टिंग जो है पहले रैबिट पे हुई हुई है कि वो आपका स्किन इरिटेंट नहीं है। कोई मेडिसिनली एक्टिव ड्रग है या टॉपिकल एजेंट्स, आप क्रीम्स, ऑइंटमेंट्स, आयोडेक्स, मूव वगैरह कुछ भी लगाते हैं टॉपिकली, तो उनकी टेस्टिंग रैबिट पे हुई होती है कि वो स्किन इरिटेंट ना हो, क्योंकि रैबिट जो है आपका सेंसिटिव होता है इरिटेंट से। सो टॉपिकल एक्सपेरिमेंट्स जो है रैबिट पे की जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड्स पर जब हम चलते हैं, रैबिट में वही है, कन्वीनियंस ऑफ इंजेक्टिंग एंड विड्रॉइंग ब्लड फ्रॉम द ईयर वेन्स इज अ यूनिक पर्पस इन द लेबोर इन दिस लेबोरेटरी स्पीसीज, की जो आपके ईयर वेन्स हैं बहुत, क्योंकि आपको पता है रैबिट के कान बड़े हैं, वेन्स जो है कुछ बाहर निकली होती है, तो वहाँ से ब्लड लेना और इंजेक्ट करना बहुत ईजी है। जैसे ह्यूमंस में नर्सिस करती हैं कि वेन को थोड़ा अपिश करने के लिए वो प्रेस करती हैं ताकि ब्लड उसमें कुछ जमा हो जाए और जो वेन्स हैं अलग से दिखाई देने लग जाएं, तो रैबिट में ये पहले ही होता है ये फीचर। नेक्स्ट, रैबिट इज़ यूज्ड इन द सीरोलॉजिकल वर्क एंड स्क्रीनिंग एम्ब्रियोटॉक्सिक एजेंट्स एंड टेरेटोजन्स। बहुत सारे आपकी ड्रग्स हैं जो फीटस को हार्म करती हैं, क्योंकि वो उसकी प्रोडक्शन में, बोन ग्रोथ में, टीथ ग्रोथ में, या जो ऑर्गन है उनकी ग्रोथ को डैमेज करती हैं कुछ ड्रग्स, तो एम्ब्रियोटॉक्सिक एजेंट्स भी हैं। मान लेते हैं किसी फीमेल को जो है एपिलेप्सी की दिक्कत है, दौरे पड़ते हैं, और जो है वो प्रेग्नेंट भी है, तो उस टाइम पर बहुत आपको संभल कर मेडिसिन का यूज़ करना होता है कि वो आपका एम्ब्रियोटॉक्सिक है और टेरेटोजन भी है। जो वुमेंस अल्कोहल कंज्यूम करती हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो जो बच्चा है वो मेंटली रिटार्ड होता है। तो ये बहुत सारी बातें इंपॉर्टेंट होती हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो उस टाइम पे भी ये जो है उन चीज़ों की स्टडी करने के लिए भी रैबिट का यूज़ होता है। स्पेशलिस्ट सुटेबल फॉर द रिसर्च ऑन रिप्रोडक्शन, जैसे कि मैंने आपको बताया इसमें हार्मोन्स जो हैं आपके प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, इन सब का जो है आपका रोल रहता है। नेक्स्ट इज द सेक्सुअल एक्टिविटी इज एनोस्ट्रम, इसका मतलब है
कि जो है इसमें जो इंटरवल होता है सेक्सुअल इनएक्टिविटी का, कि वो आपका दो पीरियड्स ऑफ एस्ट्रस के बीच में, उसको हम एनोस्टम कहते हैं। तो सेक्सुअल एक्टिविटीज एनोस्टम, जैसे कि फीमेल्स में होता है कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल एक ख़त्म होती है फिर दूसरी, तो उसके बीच का जो टाइम पीरियड रहता है, तो वो सब आपका बताया गया है कि एनोस्टम जो है आपका जो टाइम पीरियड होता है दो एस्ट्रो साइकिल्स के बीच में, जिसमें कि सेक्सुअली इनएक्टिविटी रहती है, तो उस चीज़ को हम कहते हैं। गेस्टेशन शॉर्ट है, सीमन इज इजिली कलेक्टेड, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फॉस्टरिंग कैपिलरी परमेबिलिटी, बहुत सारी ड्रग्स हैं जो कैपिलरीज जो हैं हमारी उनको वो कंट्रैक्ट करती हैं या डायलेट करती हैं, तो हम इंट्रावीनस इंजेक्शन देते हैं वो ड्रग्स देने के बाद, और डाइस इंजेक्ट करके चेक करते हैं कि ये जो हमारी ड्रग्स हैं वो कैपिलरी कंट्रैक्ट कर रही हैं या उन्हें डायलेट कर रही हैं। तो बहुत सारी ड्रग्स हैं उनको हम चेक करते हैं बाद में डाई डालकर, जैसे आप इवांस ब्लू डाई का नाम याद देख रहे हैं, तो उनसे हम चेक करते हैं कि कैपिलरी जो है कंट्रैक्टेड है आपकी, जो है डायलेट हुई है। तो इसमें हम बहुत सारा चीज़ें देखते हैं, इसमें हम ब्लड के सैंपल्स भी लेते हैं, कई बार यूरिन के सैंपल भी लेते हैं कि कितनी डाइज निकली हैं। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं हमारे, कि हम बहुत सारी चीज़ें कैपिलरी परमेबिलिटी में देख सकते हैं। हाइपरटेंशन को भी हम देख सकते हैं, हाइपरटेंसिव ड्रग्स को भी। सो इट इज़ ऑल अबाउट द रैबिट। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, यू कैन प्रेस द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।